بسم الله الرحمن الرحيم. Now our topic is piercing. Again from chapter number 16. ये छोटे छोटे कुछ terminologies हैं जिनको use किया जाता है. Piercing, the process in which current is required to flow in a desired direction through a semiconductor diode. इससे पहले हमने PN junction या semiconductor diode को पढ़ा. अब उस diode में current की direction को flow करवाना, इसका मतलब कुछ external voltage और सोर्स जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी डायोड के ऊपर, तो कहीं ना कहीं हमें करंट नजर आएगा सर्किट के अंदर. तो जो करंट की डायरेक्शन है उसे किसी डायोड में मूव करवाना, फ्लो करवाना, इस प्रोसेस को कहा जाता है पियर्सिंग. टाइप्स ऑफ पियर्सिंग, there are two types of piercing. Number one, forward bias piercing. If a PN junction diode or semiconductor diode is connected with a source in such a way that its P side is connected with positive terminal of the battery and n type connected with the negative terminal, then it is said to be forward bias. Forward biasing hai kya? Ki hamare paas jo semiconductor diode hai uske hame use connect karna hai circuit mein battery ke sath, source ke sath, lekin kis tarah se? डायोड के दो तरह के एलिमेंट है उसमें, एक पी टाइप और एक एन टाइप. फॉरवर्ड बायसिंग के लिए क्या करना होगा, पी टाइप जो है उसे कनेक्ट करना होगा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एन टाइप जो है उसे कनेक्ट करना होगा नेगेटिव टर्मिनल के साथ. बाय अप्लाइड वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर इज रिड्यूस from 0.3 volt to 0.1 volt, the junction resistance becomes nearly to zero. This is low resistance which allow to flow the current in a circuit. इसका मतलब यह है कि अगर हम semiconductor diode में P type को positive terminal के साथ connect करें, एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें, तो जो पी एन जंक्शन या डायोड के अंदर जो बैरियर बनेगा उसका रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा, पोटेंशियल अपना रिड्यूस करेगा, रेजिस्टेंस अपना रिड्यूस करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास सर्किट में करंट इजीली मूव करेगा. ऐसे बायस को कहा जाता है फॉरवर्ड बायस. When diode is forward bias, then current can flow in a circuit. जब हम कहें कि forward bias है हमारे पास circuit के अंदर, यानी P type semiconductor, P type, P side connected है positive terminal के साथ, N type connected है negative terminal के साथ, तो circuit के अंदर current flow करेगा और ऐसे पियर्सिंग को कहा जाता है फॉरवर्ड बायस. सेकंड पार्ट रिवर्स बायस. इफ पीएन जंक्शन डायोड और सेमीकंडक्टर डायोड इज कनेक्टेड विथ अ सोर्स इन सच अ वे दैट एन टाइप और एन साइड इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल,
and P-type connected with negative terminal, then it is said to be reverse bias. अगर इस जंक्शन को, अगर P और N टाइप जंक्शन को कनेक्ट हम कुछ इस तरह से करें कि P साइड कनेक्ट हो जाए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, N कनेक्ट हो जाए पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो ऐसे बियासिंग को कहा जाता है रिवर्स बियास. इन रिवर्स बियासिंग द रिवर्स ऑफ पोटेंशियल एस्टेब्लिश इन द जंक्शन रेजिस्टेंस बिकम्स हाई. यानी जब हम रिवर्स बियास करते हैं तो पीएन जंक्शन के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से करंट सर्किट के अंदर मूव नहीं कर सकता. व्हेन डायोड इज रिवर्स बियास देन करंट कैन नॉट फ्लो इन द सर्किट. यानी फॉरवर्ड बियास के अंदर करंट मूव करेगा, रिवर्स बियास के अंदर करंट मूव नहीं करता. नाउ अनदर टॉपिक रेक्टिफिकेशन. बेसिकली ये एक एप्लीकेशन है पीएन जंक्शन की. द प्रोसेस इन विच converting an alternating current to direct current, यानी कैसा process जिसमें हम क्या करें AC को DC में convert कर दें, alternating current को direct current में convert कर दें. वो current जो हर आधी पल्स के बाद, हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, अगर हम उसे यूनिट डायरेक्शन में रखना चाहते हैं या उस चेंज होने वाली पल्स को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रखना चाहते हैं, जो प्रोसेस कहलाएगा उसे कहा जाता है रेक्टिफिकेशन. बेसिकली सेमीकंडक्टर डायोड को यूज किया जाता है एसी सोर्सेस से डीसी सोर्सेस में लाने के लिए. टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन, देयर आर टू टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन. दो तरह की रेक्टिफिकेशन हमारे पास आती हैं. नंबर वन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन. रेक्टिफिकेशन इन विच करंट फ्लो ओनली ड्यूरिंग अल्टरनेट हाफ साइकिल इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन. फिर सुन लें, रेक्टिफिकेशन इन विच करंट फ्लो ओनली ड्यूरिंग अल्टरनेट हाफ साइकिल, यानी करंट आपको मिले सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा और सिर्फ हाफ साइकिल के लिए. सर्किट डायग्राम, इनपुट सोर्सेस और एसी. सर्किट में हमने कनेक्ट कर दिया डायोड. हाफ साइकिल के लिए हम लेते हैं कि ये जो साइड है ये हम कहते हैं पॉजिटिव और ये कहलाती है नेगेटिव. पॉजिटिव को हमने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट. ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी आउटपुट. जीरो, जीरो का मतलब ये है कि यहां से हमारे पास ये जो साइड है पॉजिटिव है, जीरो से लेकर यहां तक ये बन गई हाफ साइकिल, यहां से लेकर यहां तक ये टर्मिनल हमारे पास पॉजिटिव रहेगा हाफ साइकिल के लिए, यानी जीरो टू टी अपॉन टू हाफ.
हाफ के बाद क्या होगा, ये साइड आपके पास हो जाएगी नेगेटिव और ये साइड आपके पास हो जाएगी पॉजिटिव। अब ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस कब करेगा, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर ये पी टाइप कनेक्ट हो पॉजिटिव के साथ, एन कनेक्ट हो नेगेटिव के साथ तो कहलाएगा फॉरवर्ड बायस, और अगर ये साइड आपके पास हो जाए नेगेटिव और ये साइड आपके पास हो जाए पॉजिटिव तो बन जाएगा रिवर्स बायस। अब जीरो टू हाफ साइकिल, हाफ साइकिल के लिए तो ये साइड क्या रहेगी, पॉजिटिव, लेकिन जैसे ही हाफ टाइम इसका खत्म होगा तो सेकेंड पल्स में ये आपके पास ये साइड क्या हो जाएगी, नेगेटिव। जब ये नेगेटिव होगी तो हमारे पास आउटपुट में ये क्या करेगा, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करेगा। यहां पे इनपुट क्या है, यहां पे देखिए पॉजिटिव देन नेगेटिव, पॉजिटिव देन नेगेटिव, पॉजिटिव देन नेगेटिव, अल्टरनेटिंग करंट यहां से आने वाली वोल्टेज। हाफ साइकिल के लिए टी अपॉन टू के लिए पॉजिटिव, फिर हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी हाफ साइकिल के लिए ये पॉजिटिव होगा फॉरवर्ड बायस, हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा रिवर्स बायस। जीरो टू टी अपॉन टू यानी हाफ साइकिल के लिए ये हुआ फॉरवर्ड बायस, हमें आउटपुट मिला। जैसे ही टी अपॉन टू टू टी यानी अदर हाफ साइकिल, जैसे ही ये साइड आपके पास पॉजिटिव होगी ये साइड नेगेटिव होगी तो हमारे पास आ जाएगा रिवर्स बायस, हमारे पास कोई भी वोल्टेज नहीं होगा। यानी हाफ साइकिल के लिए वोल्टेज यूनिट डायरेक्शन में, हाफ साइकिल के लिए वोल्टेज यूनिट डायरेक्शन में है, लेकिन कहां से कहां तक, जीरो टू हाफ, हाफ टू कंप्लीट टी, टी टू थ्री अपॉन टू टी। अगेन ये जो हाफ साइकिल है ये यहां पे डैमेज हो चुका है, नहीं है हमारे पास कोई वोल्टेज। इसका मतलब ये है कि ये जो हमें हाफ साइकिल मिला यूनिट डायरेक्शन में ये किसकी वजह से है, ड्यू टू फॉरवर्ड बायस। अल्टरनेटिंग करंट जैसे ही हाफ पल्स में चेंज होगा अपनी नेचर को चेंज करेगा, टर्मिनल चेंज होंगे, हमारे पास जो पॉजिटिव है वो कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव में, जो नेगेटिव है वो कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में, उसी के साथ हमारा जो डायोड है उसका फॉरवर्ड बायस चेंज हो जाएगा किसमें, रिवर्स बायस में। नंबर टू, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब है कि यूनिट डायरेक्शन हमें करंट मिलेगा हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए करंट हमारे पास नहीं होगा। रेक्टिफिकेशन इन विच करंट फ्लो इन अ सेम डायरेक्शन ड्यूरिंग बोथ हाफ साइकिल्स ऑफ द अल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज। रेक्टिफिकेशन इन विच करंट फ्लो इन द सेम डायरेक्शन ड्यूरिंग बोथ हाफ साइकिल, ये कहता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें करंट मिलेगा एक ही डायरेक्शन में अल्टरनेटिंग करंट से, लेकिन जो आउटपुट हमारे पास होगा उसमें कोई भी करंट हमें गायब नहीं मिलेगा, बल्कि दोनों ही पल्स में, दोनों ही हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन सेम होगी। इट कंसिस्ट, सर्किट डायग्राम को समझने के लिए, इट कंसिस्ट फोर डायोड, इसके पास कितने डायोड हैं, चार, कनेक्टेड इन ब्रिज टाइप अरेंजमेंट, उन्हें कनेक्ट किया गया है ब्रिज टाइप अरेंजमेंट में, ड्यूरिंग ए एज पॉजिटिव हाफ साइकिल, अगर इस ए को हम कह दें कि ये पॉजिटिव है, बी को कह दें हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव है, तो जो चार डायोड हमारे पास लगे हैं डी वन डी टू डी थ्री डी फोर, डी वन का ये एंड पॉजिटिव पी और ये एन, डी थ्री का ये एंड पॉजिटिव और ये एन, टी टू का ये एंड हुआ नेगेटिव, टी फोर का ये एंड हुआ नेगेटिव। ड्यूरिंग हाफ साइकिल जब ए पॉजिटिव था